सो अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आर व्यूअर्स एंड सपोर्टर्स. हमें बहुत बहुत खुशी है कि आज हमें मौका है कि हम एक ये जो आज कोविड महामारी की जो संकट देश भर और दुनिया भर में चल रही है उसके बीच में हम एक इस तरह की बातचीत हम चलाएंगे एक बहुत वरिष्ठ हमारी महिला नेता के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की पॉलिट ब्यूरो मेंबर के साथ, जिन्होंने हर बार हर संघर्ष को सड़कों से आवाज उठा करके लड़ा है. वृंदा करात जी, नमस्कार, सलाम आपको. फ्यूरी कम्युनिस्ट, कमिटेड फेमिनिस्ट, somebody who's given life and breath to the All India Democratic Women's Association along with hundreds of others. We are really privileged to have this conversation. और बात हमारी ये रहेगी कि क्या ये कोविड महामारी के संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम किया है क्या? Has the government used this crisis to further its own agenda? तो वृंदा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने हर हर वक्त आपके पूरे पब्लिक लाइफ में सड़कों से संघर्ष लड़े हैं, लोगों को संगठित किया है, महिलाओं को, कामगारों को, किसानों को. दो महीने पहले पहली बार शायद आपने कोर्ट के अंदर खुद एक वो याचिका डाल के वहाँ पे इंसानियत की लड़ाई वहाँ लड़ने की कोशिश की, वो अनुभव कैसे रहा? ये बात बिल्कुल सही है तीसरा. मैं पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ तीसरा कि आपने मुझे मौका दिया आपसे मिलने की, और आपके द्वारा आपके तमाम जो भी लोग अभी देख रहे हैं इस चैनल को, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा क्योंकि मुझे मालूम है इस कोविड के समय आपने भी बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत राहत का कार्य किया. लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, इसके राजनीतिक पहलू क्या है? जहाँ तक मेरा अपना सवाल आपने पूछा, बिल्कुल सही बात है कि शायद मेरे 40-50 साल की पब्लिक लाइफ में, संघर्षों की लाइफ में, ये खुद एक ऐसी पिटिशन लेकर हम हाई कोर्ट में गए हैं. पहले हमने मैजिस्ट्रेट कोर्ट से शुरू की थी. दो हमारे इस समय पिटिशन्स हैं. एक हेट स्पीच का है जो दिल्ली के चुनाव के दौरान जो पूरा हेट स्पीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया और दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली. इसलिए नहीं ली क्योंकि दिल्ली पुलिस, आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस सीधा होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है. इसलिए हमने सोचा जब इतना भयानक स्पीच हो रहे हैं और वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर कोर्ट के पास ही हमें जाना पड़ेगा. इसलिए हम कोर्ट में गए. और जो दूसरी पिटिशन हमारी है वो एक सिंपल सी बात है. कानून के मुताबिक पुलिस जब गिरफ्तारी करती है उनको 41C के धारा के मुताबिक IPC का, उनको पारदर्शिता के आधार पर दिखाना पड़ेगा हर थाने में कि हमने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, क्या उनके नाम है, क्या उनका केस है और कौन से पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया. कम्युनल वायलेंस के आधार पर जो दिल्ली में भयानक रूप में वायलेंस हुआ उसके बाद हम लोग सब चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, सजा दी जाए, हम सभी चाहते हैं. लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक तरफा गिरफ्तारियां एक विशेष को, माइनॉरिटीज को टारगेट करके शुरू की और कोई जानकारी नहीं दी. इसलिए हम कोर्ट में गए कि आप कम से कम इस कोर्ट के द्वारा आदेश दीजिए कि वो कानून को कम से कम लागू करे. और कुछ नहीं, हमने कह रहे हैं उनकी जांच सही है या गलत है, हम सिर्फ कह रहे हैं आप हमें बताइए. लेकिन अभी तक वो नहीं, मतलब ये खबर देने के लिए जो कानून व्यवस्था के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से कानून कहता है कि पुलिस को देना जरूरी है, गृह मंत्रालय को ये एश्योर करना जरूरी है जनता आवाम को कि हम ये आपको खबर दे रहे हैं, क्योंकि ये जम्हूरियत लोकशाही हमारी, ऐसा नहीं कि हुकुमशाही चल रही है, फिर भी आप ये खबरें नहीं दे रहे हैं. कोविड पैंडेमिक की महामारी में कोई परिवार नहीं जा सकता उनके पास, खानदान नहीं जा सकता, वकील नहीं जा सकता, बेल एप्लीकेशन ठीक से नहीं हो सकते. तो कितने लेवल्स पे एक मानव अधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं ये महामारी के पैंडेमिक के पूरे लॉकडाउन की वजह से? इसमें दो तीन पहलू होंगे. एक, जैसे हमने कहा, कानून का धज्जिया उड़ा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक कोर्ट्स की तरफ से जो एक
स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए कि इस दौरान कोई इस कोविड की लॉकडाउन का दुरुपयोग ना करे। कम से कम कोर्ट को तो गारंटी करना चाहिए उन्होंने कतई नहीं किया। एक दूसरी पहलू ये है कि वो अभी एक नई कहानी बनाने की प्रयास कर रहे हैं कि जो पूरा वायलेंस था वो वायलेंस एंटी सीए प्रोटेस्ट के साथ किसी भी तरह जोड़कर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो एंटी सीए प्रोटेस्ट था पूरे देश भर दुनिया में स्वीकारा कि किस रूप में नए नेतृत्व नौजवानों की महिलाओं की सड़कों पर उतर के संविधान को हाथ में लेकर बाबा साहब अम्बेडकर की स्लोगन अपनी जबान पर लेकर उन्होंने पूरे देश भर को हिला दिया। उसको सबक सिखाने के लिए दिल्ली के अंदर एंटी सीए एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए स्पेशल ब्रांच उनको यातनाएं दे रहे हैं और इन सबको कम्युनल वायलेंस के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि दो शिकार हो जाए, एक एक ही तीर से, कि वो एंटी सीए बदनाम हो जाए जो पूरा शांतिपूर्ण आंदोलन था, और दूसरी तरफ उनकी जो अपनी जिम्मेदारी थी इस वायलेंस के पीछे सीधा सीधा उसको वो छिपा दे। तो और उसके साथ आप बताइए कितने जनवादी अधिकारों का हनन हो रहा है इस कोविड के लॉकडाउन पर। अभी कोई अगर बताइए, गुजरात की एडिटर तीसरा आप जरूर जानते होंगे उनको, उस बेचारे ने लिखा कि शायद मुख्यमंत्री को बदलने जा रहे, उसको सेडिशन केस में, ये कोई सेडिशन है ये जो कहता है कि भाई मुख्यमंत्री को शायद बदला जाएगा, क्या ये राष्ट्रद्रोह की बात हो सकती है? लेकिन ये भी चल रहा है, सरकार कोई सवाल लेने की क्षमता ही नहीं रखती है। सरकार मानती है कि कोई हमें सवाल नहीं कर सकता, हम हुकुमशाही चला रहे। बिल्कुल सही है। और ये पूरे जो कानून है इस समय केवल दो कानून के आधार पर पूरे देश भर चला रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और डिजीजेस रोकने वाले जो ब्रिटिश जमाने का जो कानून है जो बिल्कुल भयानक ड्रकोनियन है, इसके आधार पर पूरा केंद्रीकरण करके, पूरे अधिकारों का केंद्रीकरण करके सरकार चला रहे हैं। तो निश्चित रूप पर बीजेपी का जो एजेंडा है कि हम एक यूनिटरी गवर्नमेंट, एक सेंट्रलाइज हुकूमत और डिसेंट के खिलाफ जनवादी अधिकारों का हनन, ये सब चल रहा है। और आप जानते हैं, बाद में हम लोग जरूर बहस करेंगे कि किस रूप में सांप्रदायिकता के एजेंडा को भी वो बढ़ा रहे हैं। बिंदा जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष का जो एक लेकर इसका एक जवाब होना चाहिए, सामूहिक विपक्ष का? हमें पता है कि लेफ्ट पार्टियां, हमें पता है अभी प्रेसिडेंट कोविंद को भी एक खत गया है, आपने खुद गृह मंत्रालय को भी खत लिखे थे, पुलिस कमिश्नर को भी खुद लिखे थे। लेफ्ट पार्टियां के बारे में मैं नहीं पूछूंगी, मगर जो बाकी विपक्ष है हमारे देश में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, डीएमके हो, एक सामूहिक विपक्ष का जो एक ये सब मुद्दे को लेकर एक स्टैंड होना चाहिए, क्या आपको लगता है वो स्टैंड उभर के आ रहा है क्या? देखिए, अलग अलग पार्टीज अपने इंडिविजुअल स्टैंड तो ले ही रहे हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई हम कहें कि सब चुप बैठ गए या सब समझौता कर लिए, ये मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन जहां तक संयुक्त सवाल है, जो अलग अलग मुद्दे हैं, हर पार्टी की तीसरा जी अपनी प्राथमिकता होती है। अब हम लोगों ने जब प्रेसिडेंट को वो खत लिखा और हमने एक पूरा रोडमैप का भी हमने प्रयास किया देने, दोनों चीजों पर, डेमोक्रेसी की राइट्स के लिए, माइग्रेंट्स की राइट्स के लिए, सारा कुछ हमने किया, सभी को हमने अप्रोच किया। अपोजिशन पार्टीज में आरजेडी के हमारे एमपी ने निश्चित रूप पर पार्टी से डिस्कस करके उन्होंने उस पे वो शामिल हुए, शरद यादव जी उनकी जो उसमें वो शामिल हुए, मनोज झा जी शामिल हुए, और उसके साथ साथ तमिलनाडु के वीसीके पार्टी जो है, जो दलितों की आवाज बहुत जोर से उठाती है, वो भी शामिल हुए। बाकी दलों क्या कारण था मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। हमने ये भी कहा कि अब डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में जो हमला हो रहा है, इस पर अगर हम लोग एक साथ में खत लिखे, अभी तक उसका रिस्पॉन्स आना बाकी है, हमारे तरफ से प्रयास जरूर जारी है, लेकिन समय और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है तीसरा, और इसलिए जो हमारे साथ मिलके कर सकते हैं, इस वक्त हमें
मेन जो मैं समझ रही हूँ कि जनता को किस रूप में अभी हम मोबिलाइज करके एक यूनाइटेड विरोध जनता की तरफ से अगर हम मजबूती के साथ कर सकते हैं, जो हम लोग ऑर्गेनाइज किए भी है, आप जानते हैं कई इस बीच में किया, और भी हम आगे उसको बढ़ाएंगे, और उसमें केरल सरकार का जो एक बिल्कुल मॉडल के रूप में जो सामने आया है, केरल सरकार वित्त मंत्री जो थॉमस आइज़क है, उन्होंने भी प्रयास किया तमाम फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रलाइजेशन का एजेंडा है, हर स्टेट, एक स्टेट नहीं है, चाहे वो कुछ बोले ना, लेकिन हर स्टेट बेहद परेशान है, कोई वित्त मदद एक निका पैसा का भी उनको अभी नहीं मिला है कोविड के नाम पर। इसलिए वहाँ भी एक बड़ा मंच बन सकता है, वो भी एक कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे लगता है हमारा इमीडिएट प्राथमिकता हम जनता के बीच कैसे मोबिलाइज करके इस बड़ा हमला के खिलाफ एक साथ मिलकर कर सकते हैं तीसरा, यही हमारी प्राथमिकता है। आपका जो आपका पिटिशन भी इसके तरफ एक नज़रिया डालता है, और मैं आप खास तौर से ये बात रखना चाहूँगी नाम लेकर कि जो तीन भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें नाम अनुराग ठाकुर है, कपिल मिश्रा है, परवेश वर्मा है सॉरी, और कोमल शर्मा जैसे बाकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक्टिविस्ट, जिनको क्लियरली देखा गया कि JNU के स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करते हुए 5 जनवरी को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और दूसरी तरफ हमारी सफूरा जरगर जी हो या गुलफिशान फातिमा जी हो या खालिद सैफी हो या मतलब इशरत जहां हो, ऐसे मतलब जिनको हम और आपने पाया है खुरेजी से लेके शाहीनबाग तक शानदार डेमोन्स्ट्रेशन चलाते हुए, शानदार एक आंदोलन चलाते हुए, और वो भी शांतिपूर्ण, बिल्कुल अमन पसंद शांतिपूर्ण आंदोलन, और जैसे आपने खुद कहा तिरंगा और संविधान हाथ में रखते हुए अपनी नागरिकता को पूरे छीन के लेकर बोले, वो आग के आग मिला करके सरकार को कह रहे थे कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, आप हमको नागरिकता हमारी नहीं छीन सकते। तो ये जो एक आवाज मुसलमान कम्युनिटी से निकली है, नौजवानों की, महिलाओं की, ये शायद ये सरकार सबर नहीं कर सकती, कुड नॉट टॉलरेट इट एट ऑल, एंड देयरफॉर दे बिकॉज इट्स इजी टू डिमोनाइज द झोलेवाला प्रोटेस्ट ऑफ विच यू एंड आई ऑलवेज आर पार्ट, मगर ये एक कम्युनिटी का प्रोटेस्ट था जिसको वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही थी, सो दे थॉट दिस वाज द इजी वे आउट। और आपको पता भी है कि गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा था कि ये क्रोनोलॉजी से पूरी चीज हुई थी वगैरह वगैरह। जनता को तो हमें बिल्कुल जागरूक करना पड़ेगा, मगर क्या एक पीपल्स जुडिशियल कमीशन भी बैठना चाहिए ये सब कोविड ये लॉकडाउन के बाद, which can look at the chronology properly, can take testimonies, can examine the FIRs that were filed in Northeast Delhi when the violence took place. आपने खुद लिखा था अपने ब्लॉग पे कि face recognition software के basis पे, जिसपे कोई कानून व्यवस्था ज़्यादा विश्वास नहीं करती क्योंकि 1-2% ही accuracy है उसमें, ये सब के आधार पे लोगों को पकड़ा जा रहा है। हमें आज भी पता नहीं कि 850 लोग पकड़े गए हैं या 1900 लोग पकड़े गए, वी हैव नो आइडिया ऑफ द फिगर्स। व्हाट शुड बी द पीपल्स जुडिशियस रिस्पांस, शुड देयर बी अ पीपल्स ट्राइब्यूनल ऑन दिस? नहीं, अगर पीपल्स ट्राइब्यूनल हो सकता है तीसरा, मैं तो कहती हूँ कि जो भी मेथड हमारे इस लक्ष्य को पूरा कर सकता है कि जिन्होंने ये हेट स्पीच किया, जिन्होंने सांप्रदायिकता फैलाया, उनके खिलाफ एक पूरा एक तस्वीर सामने आना चाहिए हिंदुस्तान और दुनिया के सामने, तो कोई भी मंच अगर उसको आगे बढ़ा सकता है, हम तो पूरी तौर पर सहमत है। हाँ, पीपल्स ट्राइब्यूनल हो और जैसे भी जो भी मंच यहाँ उपलब्ध हो सकते हैं, वो सभी उस बड़े संघर्ष का एक हिस्सा बनते हैं। एक तरफ सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम कर रही सरकार, और दूसरी तरफ प्रवासी कामगार और कामगारों के अधिकार के ऊपर एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया, उसके खिलाफ उठाया सरकार ने, ऑर्डिनेंस लाकर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाए, उत्तर प्रदेश ने लाया है, मध्य प्रदेश और गुजरात लाने जा रहे हैं शायद, और इससे जो सैकड़ों सालों से जो अधिकार कामगारों ने संगठित होके कदम कदम पे लड़कर पाए हैं, अभी तक पूरी तरह नहीं पाए फिर भी पाए हैं, उसको पीछे हटाने का काम
ट्राइपार्टाइट बार्गेनिंग का मतलब को खत्म करने का काम, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को खत्म करने का काम, ये मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विकास और प्रोग्रेस और आर्थिक व्यवस्था के नाम पर ये जो हमारे कामगारों के अधिकार के ऊपर एक हमला हो रहा है सरासर ये सरकार के जरिए, इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, ये वो तीसरी बात है जो सरकार की एजेंडा पर लॉकडाउन के अंदर वो लोग लागू कर रहे हैं। पहले हमने कहा सेंट्रलाइजेशन, दूसरी बात है डिवीजन, उनकी जो कम्युनल एजेंडा है, डेमोक्रेटिक राइट्स पर उनका हमला है, और तीसरा जो सबसे बड़ा उनका एजेंडा है सो कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो ये न्यू लिबरल फ्रेमवर्क में अभी तक वो पूरे तौर पर लागू नहीं कर पाए। हिंदुस्तान के मजदूर गुलाम अभी तक अपने अधिकारों के लिए वो स्वीकार नहीं किए संघर्ष के आधार पर। लॉकडाउन की इस जबरदस्त पोजीशन और स्थिति के फायदा उठाकर वो सबसे बड़ा हमला कर रहे हैं। पूंजीवाद का जो विश्व संकट है तीसरा, उस वो और गहरा हो रहा है। हिंदुस्तान ऑलरेडी मंदी के दौर में गुजर रही थी जब ये लॉकडाउन हुआ, डिमांड्स का तो ऑलरेडी था प्रॉब्लम, क्रय शक्ति कम थी मजदूरों की, पूरा मंदी था, बेरोजगारी बढ़ गया था। अभी सरकार की ये समझ है कि अन्य देश जैसे चीन से अगर मल्टीनेशनल कंपनीज का जो पूंजी है वो निकल रहा है, तो शायद यहाँ हिंदुस्तान में अगर हम उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं और वो दूसरे देशों में ना जाए, तो एक ही उनके सामने रास्ता है कि हिंदुस्तान का श्रम शक्ति सस्ता हो, और अगर हिंदुस्तान का श्रम शक्ति वो सोच कि पूंजी यहाँ निवेश करेगा, जो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी हम धमकी दे रहे हैं अपने कंपनियों को कि या तो तुम वापस आओ या हम टैक्स तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। तो एप्पल को अली ट्रंप ने धमकी दी कि एप्पल जाना चाह रहे हो लेकिन अगर तुम गए तो तुम समझ लो तुम्हारा टैक्स बढ़। लेकिन फिर भी मोदी सरकार के सामने बड़े कॉर्पोरेट्स की खातिरदारी के उस एजेंडा के आधार पर वो मजदूरों को, सीधी बात है, उनको गुलाम बनाना चाहते हैं, और इसलिए 8 घंटे से 12 घंटा का काम कैसे कर सकते हैं वो, ये किसी हालत में नहीं हो सकती है, कौन ये मानेगा? और ऑलरेडी आपने न्यूनतम वेतन, स्ट्राइक के अधिकार, ट्रेड यूनियन के अधिकारों के ऊपर मजदूर की डेफिनेशन की, और आज जो माइग्रेंट वर्कर का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, आप क्या जवाब देना चाहते हैं उनको कि तुम्हारी कोई मूल्य नहीं है, तुम देश की नागरिक ही नहीं हो? बिल्कुल सही, मिनिमम वेजेस का पालन नहीं करेंगे आप, काम के घंटे बनाए मतलब समय बढ़ा देंगे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और ये सब तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ संगठित मजदूर के लिए है, असंगठित मजदूर के लिए वो है भी नहीं। असंगठित मजदूर जो है, प्रवासी कामगार वगैरह, वो बंबई दिल्ली जैसे शहरों से भाग रहे हैं अभी, और जब शहरों में वापस नहीं आएंगे तब ये शहरों को शायद पता चलेगा कि ये शहर कैसे चलते थे। ये शहर को पता चलेगा आज जो मजदूर के नाम लोग नहीं जानते थे, आज जब वो चल रहे हैं सड़कों पर पूरी दुनिया को, और आज ये बीजेपी वाले जो सरकार वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मत जाने दो, और दूसरे भी पार्टीज कह रहे हैं, तेलंगाना ने भी कहा, अभी राजस्थान और पंजाब में भी उनकी ये कोशिश है कि हम किस तरह ये काम के घंटे बढ़ा दे इत्यादि। तो सवाल ये है तीसरा कि ये जो एजेंडा है पूंजीवाद का, पूरा संकट मजदूरों के कंधों पर डालकर उनको गुलाम बनाकर, और कल जो निर्मला जी ने कहा अपने भाषण में पैकेज के नाम पर, उस पर जरूर बात आप करेंगे जरूर, लेकिन चल मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरा प्राइवेटाइजेशन जो सरकार की जिम्मेदारी है खरीद करने की किसान की उपज की, इतना भारी संकट, 70-75% की खरीद भी अगर हुई होगी तो भी अभी बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है इस समय ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन इस समय वो, आप वो बात थोड़ा दोबारा बताएंगे, थोड़ा वॉइस आपका कट रहा था, सॉरी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि निर्मला जी ने जो कल
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें पूरे तौर पर सरकार की जो जिम्मेदारी है प्रोक्योरमेंट करने की, अभी वो पूरा मार्केट के आधार पर किसानों को छोड़ना चाहते, ये कहकर ये किसानों का फायदा है, किसान को बहुत पैसा मिलेगा। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? पूरे कॉर्पोरेट्स के आधार पर छोड़ना चाहते हैं किसानों को, आप एमएसपी को बढ़ा नहीं रहे। इस समय आपको एमएसपी बढ़ाना है, इस समय आपको खरीद की जो पूरी प्रक्रिया इसको बढ़ाना है, और सरासर गलत आंकड़े देकर वो पूरी दुनिया को ये मिसलीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा 40 से 50% मनरेगा के काम के दिन बढ़ाए हैं, सरासर गलत है। मनरेगा के पैसे नहीं दे रहे हैं वो स्टेट्स को, वो एक बात है। दूसरी बात, अप्रैल महीने पिछले साल 27 करोड़ काम के दिन थे, इस समय अप्रैल में 11 करोड़ काम के दिन है। आप कैसे कह सकते हैं कि 40-50% की बढ़ोतरी है? ये जो आपका जो कहना है, आई जस्ट वांट टू रेज दिस इश्यू ऑफ द नॉन क्रिटिकल मीडिया, क्योंकि सरकार की जो बात ये आसानी से चल जाती है लोगों के बीच, जो लोग सोचते नहीं है और रोज रात 7 से 10 बजे तक वही चैनलों को देखते रहते हैं, जो एक जिसको गोरी मीडिया कहा है रवीश कुमार जी ने, कि एक तरह की बातें रिपीट करते जाना ताकि लोग सोचने की क्षमता भूल जाए और सवाल पूछने की क्षमता भूल जाए। मीडिया क्या जिम्मेदारी अपना रही है इस वक्त मीडिया के बारे में? ये कितनी खेद की बात है कि आज मीडिया सरकार के सामने एक प्रकार की शष्टांग प्रणाम कर रही है। कुछ बहुत अच्छे मीडिया और चैनल्स हैं और कुछ अखबार हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो ईमानदारी के साथ अपना काम और जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पे जिन चैनल्स को सरकार प्रमोट कर रही है और कॉर्पोरेट्स के द्वारा उनको एडवर्टिजमेंट्स दिलवा रही है, वो सब सरकार के तमाम बातों पर सिर्फ मोहर लगाने वाले नहीं है, उसको और भी आगे बढ़ाने के लिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे देश में एक बहुत ही खेद और दुख की बात है। अगर हम ट्रंप की राज में देखें अमेरिका में, मतलब अमेरिका की मीडिया जिस खुलेआम तरीके से ट्रंप की, उनकी प्रशासन की जो आलोचना कर रहे हैं, अगर उसकी एक तिहाई भी हमारे मीडिया की चैनल्स, विशेषकर जो सैटेलाइट चैनल्स है, अगर वो करते तो जनता के सामने, मैं नहीं कह रही हूँ कि विरोध करो, लेकिन निष्पक्ष रूप पर सच्चाई तो बताओ। लेकिन वो कहाँ हो रहा है? और जब कोई बेचारे कोई भूले भटके अगर उस चैनल पर कोई पहुंच भी जाए तो खुद ही एंकर ऐसे भद्दे तरीके से पेश आते हैं कि कोई इज्जत वाला वहां जाना ही नहीं चाहते। बाबा वृंदा जी, कुछ केरल के मॉडल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक अगर एक पॉजिटिव एक पूरा नजरिया आता है तो केरल राज्य से मिलता है हमें। देश भर में तो पहले से कदर था ही केरला के लिए, मगर अभी विश्व भर में भी लोग देख रहे हैं कि केरला ने जिस राज्य को पहली बार कोविड के साथ एक मुकाबला करना पड़ा, एक साल पहले अपने बाढ़ भी आया था, फ्लड्स भी आए थे, मगर एक पूरे जनता और आवाम के साथ विश्वास रख के एक कोऑपरेटिव रूप में, और पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्योंकि पहले से वहाँ पे मजबूत था, उसका फायदा उठा करके जो केरल के सरकार, जो आपकी पार्टी की सरकार है, वहां पे उन्होंने जो सामना किया, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? क्योंकि हम तो पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, फिर मुझे लगता है दूसरे राज्य को भी सीखना चाहिए कि व्हाई वी टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ, व्हाई वी फील लाइक इश्यूज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम से कम ये जो सेक्टर्स है वो कभी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं चलाने जाने चाहिए। उसके पीछे भी कोई सोच है, क्योंकि अगर हमें ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाना है तो कुछ सेक्टर्स को तो बचा के रखो, और एक जनता में विश्वास रख के जो कोविड पैंडेमिक का वहाँ पे एक मुकाबला हुआ है केरल में, उनकी हेल्थ मिनिस्टर की भी बहुत वाहवा लोग कर रहे हैं, महिला भी हैं वो, आप उसके बारे में कुछ कहिए हमें।
आपने बिल्कुल सही जो पॉइंट्स उठाए हैं ना, वो ही केरल की मॉडल है। एक बात पारदर्शिता, दूसरी बात वैज्ञानिक सोच के आधार पर तमाम पब्लिक सेक्टर के मजबूती के, मतलब पब्लिक हेल्थ सिस्टम की मजबूती के आधार पर, और इस पैंडेमिक का कैसे रोका जाए उसकी तमाम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन तमाम एक्सपर्ट्स के साथ जोड़कर, सबकी राय लेकर, एक्सपर्ट कमिटीज का गठन केवल बैठने के लिए नहीं, उनकी राय लेकर आगे बढ़ना, और तीसरी बात जनता की सहयोग। और कल मुख्यमंत्री की जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने स्वयं ये कहा कि अगर केरल में हम लोग इतने कामयाब हुए हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के कारण, क्योंकि जब हम क्वारंटीन की बात करते हैं तो खुद जो क्वारंटीन में लोग हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी, और जो वहाँ पंचायत है या जो वहाँ लोग हैं उस कम्युनिटी के अंदर, वो उनको मदद पहुँचा कर ताकि क्वारंटीन टूटे ना, तो एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के रूप में, और केरल में तमाम पंचायतों का जो इस बीच में जो रोल रहा है वो बहुत अनिवार्य, बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है पीपल सेंट्रिक अप्रोच तीसरा। केरल ही पहले था जो 20,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया, खुद ही अपने उससे दिया। और उसी संदर्भ में अगर हम ये 20,00,000 करोड़ रुपया के पैकेज का जिक्र करें, उसमें हम लोगों ने जो अभी एस्टिमेट लगाया है, ज्यादा से अगर आप कहें तो 2,00,000 करोड़ रुपया ही सरकार का एक्सपेंडिचर हुआ होगा, बाकी 18,00,000 करोड़ रुपया पूरे बैंक्स के ऊपर है या पुरानी स्कीम्स है जो उन्होंने रिवाइज किया। और ये भी 2,00,000 करोड़ रुपया 20,00,000 करोड़ रुपया में अगर आप देखें तो 2% भी जीडीपी का पूरा नहीं होता है। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 10% है, उन्होंने आंकड़ा इस तरह बढ़ा दिया, बिल्कुल जो बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। और बैंक्स का क्या हालत होगा उस समय, और वो तब कहेंगे बैंक सब सिख है, और फिर बैंक्स को जो है ना निजीकरण की तरफ जो है वो ढकेलेंगे। जो मोदी जी ने कहा लेबर लैंड लॉज लिक्विडिटी, ये चार चीजों का जो उनका एजेंडा है तीसरा, लैंड का मतलब वो और लैंड लॉज को कमजोर करके, विशेषकर आदिवासी संबंधित, एनवायरमेंट संबंधित, वो सब कमजोर ऑलरेडी कर रहे हैं, 191 एनवायरमेंट क्लियरेंसेस वो करवा रहे हैं लैंड कॉर्पोरेट्स के लिए, 2 लेबर सस्ता करने के लिए, 3 लॉज प्राइवेटाइजेशन के लिए, और 4 लिक्विडिटी लोन्स देने के लिए जो पूरा बैंक्स के ऊपर बोझ आएगा। तो ये जो उनका पूरा एजेंडा है इस लॉकडाउन की, ये बहुत खतरनाक इकोनॉमिक एजेंडा है। साथ साथ हमने बाकी भी जो है और सांप्रदायिकता को आगे रखकर, मुझे लगता है हमारे अंदर वाला जो शैतान है वो जगा करके लोग बाकी इश्यूज पे बातचीत नहीं करते और बाकी इश्यूज पे ध्यान नहीं देते। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही तीसरा, क्योंकि इनका यही होगा आने वाले दिनों में। इवन कोविड के टाइम तबलीगी जमात के वो गैर जिम्मेदाराना जो उनका जमायत हुआ, अभी ये तो नहीं पूछ रहा कोई कि भाई इजाजत किसने दी। Exactly. निजामुद्दीन ने 5,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उस समय दिल्ली पुलिस और अमित शाह जी क्या कर रहे थे, बिल्कुल से आप क्यों रुके हुए थे। अभी वो बता रहे हैं कि जो वीडियो पूरा वायरल उन लोगों ने करवाया, FIR लगवा, आप कह रहे हैं वो डॉक्टर था। तो आपने उस घटना को इस्तेमाल करके पूरे देश भर में जो सांप्रदायिक तनाव और जहरीला प्रचार किया, जो दुनिया में पहुंच गया। आप सोचो तीसरा, कल परसों यूनाइटेड स्टेट्स की जो वो कमिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, USCIS, जो रिपोर्ट रिलीजियस फ्रीडम की जो है, परसों जो उन्होंने कहा, हिंदुस्तान को उस एजेंडा में रखकर उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज आर दे सेफ इन इंडिया। पूरे UAE में तमाम गल्फ कंट्रीज ने
विरोध किया ये पूरा प्रचार का। हमारे विदेश मंत्री को वहाँ डिप्लोमेटिक सब कुछ करना पड़ा बताने के लिए कि नहीं नहीं ये सच नहीं है। ये क्या है? आप कोविड के लिए यूनाइटेड तरीके से आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप कोविड के खिलाफ युद्ध नहीं, अगर हिंदुस्तान के गरीब मजदूरों के खिलाफ आपका युद्ध है, संविधान के खिलाफ युद्ध है, तो क्या कोऑपरेशन हम देंगे? नहीं, आपको याद हो ना, जब एंटी सीए एंटी एनपीआर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे वृंदा जी, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रोटेस्टर्स को हम कपड़े और पेशे से पहचानेंगे। तो इस तरह की बातें जब ऊपर से ही आएगी तो एक तरह का मैसेजिंग होता है, पुलिस भी उसको फॉलो करती है, प्रशासन भी उसको फॉलो करती है, और कपिल शर्मा जैसे लोग भी फॉलो करते हैं। जी, मैंने कहा कपिल शर्मा और अनुराग ठाकुर जैसे लोग भी फॉलो करते हैं। इनको हिम्मत आती है कि हम ये कर सकते हैं और हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई भी पकड़ने वाला नहीं। वृंदा जी, वापस आएंगे थोड़े से आदिवासियों की बात पर, क्योंकि आपने बहुत अहम बात उठाई कि जो एक बहुत शर्मनाक एक स्टे ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का एक साल पहले, फरवरी 2019 वाला, उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी और विरोध होने के बाद अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में ठहरा हुआ है, कि जिस कानून के लिए आदिवासी संगठनों ने, वामपंथी पार्टियों ने सालों के लिए संघर्ष किया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के लिए, वो लागू होते होते ठीक तरह से अभी तक लागू हुआ भी नहीं, और उसको डाइल्यूट करने और ख़त्म करने की कोशिश ये सरकार कर रही है, और हमारे आदिवासी बहन भाई तो विरोध कर ही रहे हैं, वामपंथी ताकत भी विरोध कर रहे हैं, मगर असली बात जमीन की है, जमीन के कंट्रोल की है, जैसे आप कह रहे थे। और अगर किसी ने हमारे जंगल को बचा के रखा है तो वो हमारे आदिवासी और फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने बचा के रखा है, जिन्होंने दिन रात उसकी देखभाल की, उसको उसको पूरी ख़त्म नहीं होने दिया। तो ये मुद्दे को लेकर भी मुझे लगता है, जैसे आपने कहा 191 क्लियरेंसेस, एक नई एनवायरमेंटल पॉलिसी लागू करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे क्लियरेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी अभी पब्लिक के विरोध की वजह से थोड़ा सा डिले हुई है। At every level they are trying to attack India's environment, India's social environment, India's physical environment, or completely privatize and corporatize the resources of this country. बिल्कुल सही आपने कहा। और अभी अगर आप इस पैकेज में आप देखेंगे तीसरा, अचानक कैंपा का कैसे बात आ गई? Exactly. अब कैंपा की अभी लगभग 50,000 करोड़ रुपया स्टेट्स और सेंटर के पास है। ये कैंपक का जो फंड, वैसे भी उस समय हमने पूरा विरोध किया ये, और हमने कहा ये आदिवासियों की आप बेघर कर रहे हैं, आदिवासियों की वन को आप छीन रहे हैं, और आप एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के नाम पर आप पूरा अधिकार चाहते हैं कि आप उसकी कीमत लगाकर आप एफॉरेस्टेशन के नाम पर आप प्लांटेशन लगाए, आप आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करके पट्टा न देकर आप पेड़ लगा रहे हैं बगैर उनकी राय की, बगैर ग्राम सभा की। और निर्मला सीतारमण और इस सरकार की क्या अधिकार है? वो कैसे तय कर सकते हैं कि कैंपा का फंड कैसे होगा बगैर ग्राम सभा की इजाजत की? क्या हमारे देश में FRA है या नहीं है? क्या हमारे देश में पैसा है या नहीं है? क्या हमारे देश में संविधान का 5वां शेड्यूल का जो अधिकार है वो है या नहीं है? लेकिन ये लगातार इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का भी ऐसे उन्होंने किया, जो फर्स्ट पैकेज था जिसे 35,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का था। भाई वो मिनरल फंड किस लिए है कि जो वहाँ कम्युनिटीज डिस्प्लेस हो रहे हैं माइनिंग के लिए, उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए? अब ये कैसे तय कर सकते हैं? ये तो चाहे वो DMF तो कामगारों के प्रोविडेंट फंड भी लेने वाले थे ना, बैंकों को देने वाले थे, जो प्रोविडेंट फंड सेविंग्स हैं कामगारों के, मतलब हम सब के मध्यम वर्गी के, वो चाह रहे कि वो प्रोविडेंट फंड भी कब्जा कर ले। अभी तो मदद देने के नाम पर प्रोविडेंट फंड का 2% काट ही दिया उन्होंने, 10% से 8% किया। खैर, मैं आदिवासियों की बात जो कर रही हूँ, और इस पूरे दौरान माइग्रेंट वर्कर्स में अगर एक कम्युनिटी सबसे अधिक माइग्रेंट के रूप में है, क्योंकि कोई माइग्रेशन का सर्वे नहीं हुआ, जो सर्वे हुआ था लास्ट सर्वे 2007-08 में हुआ था, जिसपे ये बताया गया कि कम्युनिटी के हिसाब से सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कम्युनिटी वाइज आदिवासियों के अगर 100 हैं
और दूसरी कम्युनिटीज की भी सोए तो आदिवासियों की उस संख्या में अधिक होंगे आदिवासी कम्युनिटी के हिसाब से। और विमेन माइग्रेंट्स में हाईएस्ट है आदिवासी औरतें। तो अभी अगर आप माइग्रेंट्स के हालत को देखें, किस रूप में अभी आदिवासी फंसे हुए हैं, हमारे कॉम्रेड छत्तीसगढ़ में उन्होंने सरकार को बाकायदा 1300 की लिस्ट दी। जब जामलो की डेथ हो गई थी भूख से, वो बच्ची 12 साल की बच्ची की, उसके बाद वहां आदिवासी सिर्फ एक जामलो नहीं, हजारों की तादाद में हमारी पार्टी ने 1300 की बाकायदा नाम और लिस्ट दी सरकार को कि वो फंसे हुए जंगलों में, क्योंकि आदिवासी जब चल रहे हैं वो साइड रोड से चल रहे हैं, जंगलों में चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस उन्हीं को टारगेट करेगी। जी, 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 जी। तो ये बहुत बुरा हाल है इस वक्त। और वापस जब जाएंगे कौन कहाँ टेस्टिंग होगा उनका? कोई नहीं। आदिवासी क्षेत्र में जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल नहीं है, वो वर्स्ट है। तो कहाँ कोविड टेस्टिंग होगी, कहाँ क्वारंटीन होगा? इस समय आदिवासी इलाके कोविड मुक्त हैं, लेकिन जब माइग्रेंट्स वापस जाएंगे क्या हालत होगी? क्या सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा है? आप कैंपर फंड को दे रहे हैं, आप डीएमए फंड को दे रहे हैं आदिवासियों को बगैर पूछे, लेकिन आपने कभी सोचा कि कम से कम 27% जो डॉक्टर्स की कमी है आदिवासी इलाके में, वो हम पहले कुछ करें? कोई जाने के लिए नहीं तैयार है गांव में और आदिवासी इलाकों में। तो खैर, जब पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक, आज नहीं तो कल लॉकडाउन ईज होगा, खत्म होगा, कुछ ना कुछ स्टेप सरकार भी उनको लेना ही पड़ेगा, उस वक्त फिर आप और हमारे लिए चुनौती क्या होगी? ये सब मुद्दों को लेकर हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, जनता को कैसे हम लोग संगठित करके ये मुद्दे को उठाएंगे? क्योंकि 4 साल और सरकार के पास है कम से कम, और ये 4 सालों में ये सब करना पड़ेगा कि ये सब मुद्दों को लेकर हमें आवाज उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, मजदूरों के जो मुद्दे, आर्थिक मुद्दे हैं, अभी ये संकट इतना गहरा होने वाला है कि जो लड़ना भी नहीं चाहता उनको भी मजबूरी में लड़ना पड़ेगा। और एक स्वतः स्फूर्त बात भी होगी उस पे, जितने भी हमारे संगठन है मजदूर वर्ग के ऊपर, किसानों के ऊपर जो सबसे बड़ा हमला होने वाला है, और उसके जो सामाजिक पहलू है आदिवासी और दलितों के लिए विशेषकर, उस पे निश्चित रूप पर हमें अपना पूरा ध्यान जो है किस रूप में मोबिलाइज करेंगे। और हम जानते, जब हम ये करेंगे तो सरकार सांप्रदायिक जहर, जैसे आपने कहा कि हमेशा हमारा ध्यान बांटने के लिए ये होगा, इसलिए आर्थिक मुद्दे के साथ साथ हिंदुस्तान की संविधान बचाओ, जनवाद बचाओ, माइनॉरिटीज के अधिकारों के पक्ष में, ये भी हमें साथ साथ चलाने की सख्त जरूरत है। वरना क्या होगा, हम संघर्ष करेंगे आर्थिक मुद्दे पर और सरकार हमारी यूनिटी को धर्म का दुरुपयोग करके तोड़ेगी। इसके बारे में भी सचेत रहते हुए ये सभी मुद्दे को कैसे बड़ा संघर्ष अलग अलग हिस्सों के बीच हम लेकर जा सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बृंदा जी। मुझे बस एक और सवाल, आखिरी सवाल आपको बस कामगारों के मुद्दे के ऊपर करना है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट काउंसिल का जो रिपोर्ट भी था 2019 का, वो साफ दिखाता है कि वही समाज और वही देश जो पार्टिसिपेटिव तरीके से वर्कर्स पार्टिसिपेशन हो, वर्कर्स वेलफेयर हो, वर्कर्स सोशल वेलफेयर हो, वर्कर्स वेजेस हो, अगर वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो समाज और देश चलता है, तो कोट अनकोट प्रॉफिट और डेवलपमेंट भी ज़्यादा सस्टेनेबल गोल्स मिलते हैं। हालांकि बार बार कॉर्पोरेटाइजेशन और सरकारों का मानना है कि जब आप कामगारों के अधिकार के ऊपर उल्लंघन करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो ही प्रोग्रेस हो सकता है। हालांकि वी हैव सीन इट इज एक्चुअली द ऑपोजिट। तो ये मुद्दा भी लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब सब मुद्दे उठाए उसमें इंटरसेक्शनैलिटीज बहुत हैं, कि वही माइनॉरिटी सेक्शन
जिसको सामाजिक और धार्मिक रूप से टारगेट किया जाता है सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा, उन्हीं में तबके ऐसे भी हैं जो मालिक भी हैं, जो ओनर्स भी हैं। हमारे दलित आदिवासी समूह में कोशिश कई सालों से की गई है एक हिंदूकरण या ब्राह्मणीकरण, वॉट एवर वी कॉल इट। तो इस तरह की इंटरसेक्शनैलिटीज को समझ करके हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस आएंगे और आते जाएंगे, क्योंकि स्टेट पावर अनफॉर्चुनेटली इज स्टिल इन देयर हैंड्स और सॉरी मीडिया इज नॉट रियली डूइंग अ फेयर एंड न्यूट्रल जॉब, एटलीस्ट इफ फॉरगेट अबाउट ए डेमोक्रेटिक जॉब, मतलब एक निष्पक्ष रूप से भी नहीं कर रही है। तो आर यू स्टिल होपफुल, आपको अभी भी उम्मीद है? देखिए, कॉमरेड ज्योति बासु हमेशा कहते थे, जनता पर विश्वास करो। और मैं भी इसको बिल्कुल सही मानती हूँ, क्योंकि आखिर हमारा देश जो बचा है, ये देश तो आखिर जनता के ही आधार पर, कुर्बानी और समझ के आधार पर बचा है। ये स्वतः स्फूर्त नहीं होता है, इसलिए हमें संगठित रूप में जनता को एकत्रित करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारी यूनिटी की सख्त ज़रूरत है। उसके लिए सरकार का जो हमला है, हम किसी भी तरफ से समझौता नहीं कर सकते हैं। हमें सामने खड़े होकर उसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग एक साथ मिलकर, मजदूर, किसान, तमाम गरीब एक साथ मिलकर खड़े होते हैं देश के संविधान की बचाव और देश की आत्मनिर्भरता की बचाव, मोदी की आत्मनिर्भरता नहीं, उनकी कॉन्सेप्ट की आत्मनिर्भरता नहीं, देश की आत्मनिर्भरता के आधार पर अगर हम लोग खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप पर हम लोग सफल होंगे, कामयाब होंगे। लेकिन हाँ, दिन बहुत कठिन है। हमें किसी भी तरह अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन आशा जरूर है कि हम सही मुकाबला कर पाएंगे। बस एक कार्यकर्ता के रूप में मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप आसाम की तरफ भी अपना नज़रिया बनाए रखें। हमारा संगठन वहाँ पे 2.5-3 सालों से बहुत गहराई से काम कर रहा है और आपको पता ही होगा कि एनआरसी के जाल में फंसे हुए 19 लाख लोग के ऊपर आज भी वो तलवार लटकी हुई है कि वो भारतीय है कि नहीं, न सिर्फ उनके ऊपर मगर उनके तमाम परिवार वालों के ऊपर। साथ साथ 1,17,000 ऐसे भी लोग हैं जो डाउटफुल वोटर्स हैं, 1,13,000 वो है जो डिक्लेयर फॉरेनर्स हैं। एक साल में सिर्फ 5,000 केसेस नेविगेट होते हैं फॉरेनर ट्राइब्यूनल में, तो आप सोचे कि कितने साल लगेंगे 19 लाख केसेस को खत्म होते होते। तो ये इश्यू को भी आप सिर्फ फॉर्मल बहुत जरूरी। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर एक पॉलिटिकली विपक्ष को देखना पड़ेगा और हमारी उम्मीद है कि देर हैज टू बी एन एमनेस्टी ऑन दिस एंड देर हैज टू बी एन एंड टू दिस एंटायर सिटीजनशिप टारगेटिंग दैट इज हैपनिंग ऑफ द वेरी मार्जिनलाइज सेक्शंस विद इन आसाम। और तीसरा, मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ आपको कि इस लॉकडाउन के बीच में भी आपके वहाँ जो कार्यकर्ता है, वो सफल तरीके से, जो कुछ लोग जो डिटेंशन कैंप्स में बंद थे गलत तरीके से, आपने उनको मदद देकर उनको वहाँ से मुक्ति दिलवाने का भी आपने बहुत बड़ा काम किया। और इसी के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि कश्मीर की जो आज हालात है, कश्मीर की जो आज एक जबरदस्त, अगर कहीं भी जनवाद का गला घोटा जा रहा है, वो कश्मीर की जनता। हमारे लॉकडाउन तो 2 महीने से कितने भारी संकट है। आप सोचो, कश्मीर का अगस्त महीने से लॉकडाउन, कितने महीने हो गए, पूरा लॉकडाउन फ्रॉम अगस्त, मतलब सोचा नहीं जा सकता। और आज भी फौजी नहीं है, नहीं आज भी पूरा इंटरनेट कनेक्शंस नहीं दिया जा रहा है, आज भी सैकड़ों हमारे नौजवान जेल में हैं, आज भी भूतपूर्व परसों मुख्यमंत्री, एक लड़के को ऐसे ही मारा गया गोली से, परसों ही हुई बात। आज भी हमारे भूतपूर्व वहां के मुख्यमंत्री अभी भी जेल में बंद है। तो कश्मीर की पॉलिटिकल फ्रीडम्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, और उनके ढांचा को सही अधिकार देने के लिए, इंक्लूडिंग इंटरनेट कम्युनिकेशंस, उसके लिए भी ज़रूर हम लोगों को डिमांड उठाना चाहिए। जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा
जनता के जनवादी आंदोलन का उस एक अहम हिस्सा के रूप में लेकर हम आवाज उठाते। बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा जी आपसे बात करके। आगे के दिन जैसे आपने कहा कठिन है, संघर्षपूर्ण है, मगर फिर भी उम्मीद कभी भी हमें नहीं छोड़नी चाहिए, और आप जैसे नेता साथ में है तो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा जी, थैंक यू वेरी मच।